अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं बनी भाई। बनी भाई कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र। असद भाई आप सुनाए, तबीयत कैसी आपकी? जबरदस्त अल्लाह का करम है। एक तो आप शायद पहली बार मेरे पास आपने चक्कर लगाया है। हाँ, कैनल पे पहली बार चक्कर लगाया। वैसे मुलाकात तो आपसे बहुत पुरानी है फ्रेंड्स, मुलाकात होती रहती है, लेन देन चलता रहता है इनके साथ। जी जी जी। ब्रीडर है, छोटा छोटी सी ऐसी डॉग्स की कम्युनिटी है जिसमें गिने चुने ब्रीडर है। जी जी, सब रबते में रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो आज ये मेरे पास आए एक गोल्डन रिट्रीवर की फीमेल पिक करने। तो किस चीज़ के लिए आप ये फीमेल लेकर जा रहे हैं? किसी को देनी है या रखनी है, क्या करना है? नहीं नहीं असद भाई, मैंने आपका स्टेटस भी देखा था व्हाट्सएप पे और आपका व्लॉग देखा था मैंने यूट्यूब पे, आपने लगाया था फीमेल का। अच्छा अच्छा। तो मैंने फिर मुझे पसंद आई, मैंने कहा हमारे पास एक मेल खड़ा बड़ा इम्पोर्टेड। अच्छा, अच्छा बहुत प्यारा मेल है, वो हमारे दोस्तों के पास है, बाहर से इम्पोर्ट किए। तो मैंने फिर अपने लिए उठाई है फीमेल की, हम इससे ब्रीड कराएंगे। तो शौक है आपको पता है, और ब्रीडर ने तो घर के लिए उठाई है। माशाल्लाह बहुत प्यारी फीमेल है, मैंने कहा चलो आपसे मुलाकात भी हो जाएगी और फिर फीमेल भी उठा लेंगे। असल में रेयर ब्रीड्स में होता ये है कि अगर किसी के पास मेल है तो उसको फीमेल नहीं मिलती, अगर किसी के पास फीमेल है तो उसको मेल नहीं मिलता मेटिंग के लिए। इसकी रिक्वायर्ड बहुत है ना अभी मार्केट में, आपको पता काफी रिक्वायर्ड। देखो रिक्वायरमेंट ज्यादा इसलिए बढ़ती है कि वो ब्रीड मार्केट में कम होती है। बिल्कुल, कम होने की वजह से रिक्वायरमेंट बढ़ती है ज्यादा। और अब मेरे पास फीमेल है, मुझे कस्टर्ड नहीं मिलेगा, मैं क्या करूंगा? मेटिंग नहीं मिलेगी तो मेरे किसी काम की नहीं है, और आपके पास मेल है तो वो किसी काम का नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि जो ये रेयर ब्रीड है ना, रेयर ब्रीड्स या तो बंदा पेयर रखे या तो एक रखना बेकार है। एक का फिर स्टड नहीं मिलता, मेटिंग नहीं मिलती, फिर जिनके पास होते हैं उनके नखरे वगैरह वगैरह वगैरह। और मैं आपको बता दूं, मुझे ये असद भाई ने मार्केट रेट पे नहीं दिए, बहुत कम पैसों में फीमेल दी है मुझे, बहुत कम पैसों में। मोहब्बत है इनकी और इनका प्यार है। ठीक है, तो देखें फीमेल चल के चलें। ये फीमेल है भाई, असद भाई से लिया मैंने, बहुत प्यारी फीमेल है। और एक ये फीमेल है और ये बनी भाई लेकर जा रहे हैं। तो अब मजीद जो है बनी भाई इसकी ब्रीड कराएंगे, और अगर ब्रीड होती है तो हमें जरूर बुलाइएगा, बच्चे देखने आएंगे। और एक एक चीज और, एक मिनट थोड़ा पास आएगा, एक चीज और, ये फीमेल हीट पे भी आने वाली है, स्वेल है इसकी। लेकिन असद भाई के दिल में कोई असद भाई के दिल में कोई लालच नहीं है कि मैं रख लूं, ये रख, इन्होंने बस दे दी हमें, इनकी मोहब्बत है। थैंक यू सो मच। मैंने हमेशा वीडियोस में यही बोला है कि मेरे चैनल पर अगर कोई आता है, उसको कोई चीज पसंद आए, तो ना के अल्फाज नहीं होते, चाहे वो मेटेड हो चाहे वो प्रेग्नेंट हो। मार्केट पर देता हूँ, अगर किसी से कोई क्लोज निकल आए, कोई फ्रेंडशिप निकल आए और किसी से लेन देन चलता हो तो उसको और भी मुनासिब रेट में दे देता हूँ, लेकिन दे देता हूँ, रखता नहीं हूँ। असद भाई बहुत शुक्रिया। फीमेल पसंद आई? बहुत प्यारी फीमेल, बहुत प्यारी फीमेल। ये आप क्वालिटी देख सकते हैं फीमेल की, लाइन लेंथ कोट। और मजीद मैं क्या बोलूँ, जो बोलना है बनी भाई ने ही बोलना है, इन्होंने पसंद किए। फीमेल सीजन पर भी आने वाली है और ब्रीडर फीमेल है, उम्मीद करता हूँ कि इनके पास ब्रीड करेगी। ब्रीड होती है तो मैं आपको इसके पपीज जरूर दिखाऊंगा। बनी भाई आप लाजमी कॉन्टेक्ट करेंगे इसके पपीज के लिए। ठीक है, तो व्यूवर्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बनी भाई के लिए दुआ करें कि इसको बेहतर रिजल्ट मिले इसके इसका इस फीमेल का। तो अल्लाह हाफिज़।